हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ये लेक्चर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। एग लेइंग एनिमल्स कौन होते हैं? जो एग ले करते हैं उनको हम बोलते हैं एग लेइंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। बर्ड्स जो होती हैं वो एग लेइंग होती है, इसीलिए उनको हम कैटेगरी में रखते हैं एग लेइंग एनिमल्स की। अब जो एग होता है उसका पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसकी लाइफ साइकिल समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये है एग। सबने एक अंडा देखा ही होता है। अंडे के बाहर एक वाइट प्रोटेक्टिव शेल होता है। ये जो वाइट प्रोटेक्टिव शेल है इसको हम एग शेल बोलते हैं। प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अंदर क्या होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करता है? तो अगर आप अंडे को फोड़ कर देखोगे तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेसिकली प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है जो योक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब योक क्या है? वो जो येल्लो पोर्शन निकलता है एग में उसको हम बोलते हैं योक। योक जो है दैट इज़ अ फूड फॉर द एम्ब्रियो। ये फैट्स में, विटामिन्स में और मिनरल्स में रिच होता है। इसमें ज़्यादातर कंटेंट किसका होता है? फैट का। और एल्ब्यूमिन में ज़्यादा कंटेंट किसका होता है? प्रोटीन्स का। जो योक है वो फूड ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ है? योक के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो बाद में बेबी में डेवलप होता है। जो प्रोटीन खाता है, जिसको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स उसको सजेस्ट करते हैं वो एग एल्ब्यूमिन कंज्यूम करे ताकि उसमें मसल मास बढ़ सके। या प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा तो मसल मास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और जो लोग दुबले होते हैं उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो एग योक ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें फैट रिच होता है, फैट्स का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो बॉडी में फैट कंटेंट को इंक्रीज करेंगे। अब ये जो बर्ड लेइंग बर्ड्स हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है हेन का। देखिए, ये है एक एडल्ट हेन। ठीक, एडल्ट हेन क्या करेगी? इट वुड ले एग बिकॉज इट इज़ अ बर्ड। नाउ बर्ड्स आर अगेन एग लेइंग एनिमल्स, सो इट वुड ले दी एग। नाउ अब एग को क्या करेंगे? जब वो एग ले करते हैं तो नेस्ट के ऊपर ही ब्रूड करते हैं। ब्रूड करने का मतलब होता है वो उसके ऊपर बैठते हैं ताकि वो उसको वार्म्थ प्रोवाइड कर सकें। वार्म्थ देने का सेंस क्या है? वार्म्थ वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उस टेम्परेचर से, उस गर्मी से अंडा हैच कर पाए। तो ये जो वार्म्थ प्रोवाइड किया, जब उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट मिल जाती है तो एग हैचेज आउट टू गिव दी बेबी चिकन। सो दिस वॉज दी बेबी चिकन विच हैज जस्ट कम आउट थ्रू दिस एग। सो डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ दिस chicken from this egg is in 3-stage process: stage 1, stage 2 and stage 3. सबसे पहले egg ले करेगा, फिर हम उसको उसके ऊपर बैठेगा, बैठ के उसके warmth provide करेगा, and then the egg would hatch to give the chicken would come out from that hatched egg. So this is the complete life cycle of the bird. Now we will study in the next video life cycle of an insect. So stay tuned, keep learning, keep watching. Thank you.